तो कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि सड़कें समंदर बन गई। आगे बढ़कर आपको ये बता दें कि बांदीपोरा में कुछ ही सेकंड के भीतर चट्टान खिसक गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। उधर हिमाचल के रामपुर में फिर एक बार बादल फट गए, जिससे 30 मीटर सड़क बह गई। अब लोगों में दहशत का आलम यह है कि बादलों की आवाज से डर लगने लगा है। क्या मौसम का सिस्टम फेल हो गया है, या फिर तूफानी दैत्य ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है? क्योंकि सड़कों पर समंदर जैसी ये लहरें बादल फटने से उठी हैं, जिसने कश्मीर के पुलवामा की शक्ल सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, जिसने पुलवामा के कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आसमान से आई इस बीमारी से वो कैसे डील करें, क्योंकि एक दिन पहले तक यहां जिंदगी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन शनिवार को आंख खुली तो स्थिति कुछ ऐसी थी। पुलवामा में हुए इस हादसे में कोई जान हानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है। इस घटना का सेंटर पॉइंट अचगोजा इलाके को बताया जा रहा है। पुलवामा के राजपुरा इलाके में बादल फटने की घटना से अचगोजा गांव में भारी नुकसान हुआ है। यहां जंगल के इलाके में बादल फटने के बाद सैलाबी पानी अचगोजा गांव में घुसा और यहां कई घरों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ के पानी की वजह से कई सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि जो पानी है वो जितनी तेजी से नीचे आया उतनी ही तेजी से निकल गया, लेकिन अपने पीछे नुकसान जो है काफी छोड़ गया है। इस वक्त कश्मीर बादल फाड़ तबाही को झेल रहा है। पुलवामा से पहले कुलगाम, बांदीपुरा और शोपियां में बादल फटे थे, जिसमें कुलगाम के दमहाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बांदीपुरा के दर्दपोरा में कई सड़कें फुटब्रिज टूट गए थे। कश्मीर के गांधरबल में शनिवार को हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर की ज्यादातर सड़कों ने जल समाधि ले ली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी अपने साथ बड़ी संख्या में मलबा भी लेकर आया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है। स्थानीय लोग खुद ही मलबे को हटा रहे हैं ताकि स्थिति और खराब न हो। इस वक्त इन सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। मलबा भरने से फिसलन हो रही है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त ज्यादातर कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में स्थिति और खतरनाक हो सकती है। उधर रामपुर में बादल फटने से पूरे हिमाचल की धड़कन फिर एक बार बढ़ गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद एक युवक ने बनाया है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे पानी तेजी से बढ़ रहा है और कैसे सड़क का एक हिस्सा बह गया है। बादल फट चुका है, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है। कुछ सूत्रों से पता लगा है कि तकलेश तक पानी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। ये जो बादल फटा है ये नाले के किनारे फटा है, और जिसकी वजह से मलबा, भारी पत्थर वगैरह सड़क पर नीचे की ओर बहने लगे। और अभी भी तकलेश में जिला प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, मौजूद है और देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। फिलहाल हिमाचल में बारिश अभी भी जारी है। इससे पहले जुलाई में हिमाचल के इसी रामपुर में बादल फटा था, जो 50 से ज्यादा लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया था। इस घटना ने पूरे हिमाचल को अंदर तक हिला दिया था। हिमाचल के किन्नौर में स्पीति घाटी को शिमला से जोड़ने वाला हाईवे धंस गया है और 50 मीटर हाईवे की जमीन 10 फीट नीचे बैठ गई है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पहले अच्छा खासा रोड था, वहां मलबे का पहाड़ है। हाईवे धंसने के बाद अब यहां से लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि यहां पर अब भी जान का खतरा है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। दो दिन पहले भी एक कार पर पत्थर गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। मतलब एकदम साफ है, बारिश के इस सीजन में पहाड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं है।
देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों की चाल बदल गई है। जिन्हें जहां से रास्ता मिल रहा है वो वहां से बह रही है, लेकिन नदियों की इस बिगड़ी चाल से लोगों की जिंदगी संकट में आ गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब के चक्रव्यूह में इंसान किस कदर कैद है, इसकी वानगी है राजस्थान के बूंदी से आई ये तस्वीर, जहां मेज नदी की तूफानी लहरों में एक युवक फंसा हुआ है जो लगातार लहरों से लड़ रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इस युवक का पैर जमाना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर अचानक महज 15 सेकंड्स में ये युवक नदी में बह जाता है, और जिस वक्त ये बहता है उस वक्त बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं जो थोड़ी दूरी के बाद इसे रेस्क्यू कर लेते हैं और इसे बचा लेते हैं। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जो कुछ बूंदी में इस युवक के साथ हुआ वो तमाम लोगों के लिए बड़ी सीख है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, पानी कई पुलियाओं के ऊपर से बह रहा है जिन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। इस युवक ने भी पुलिया को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये फंस गया और देखते ही देखते बह गया। दरअसल पिछले 24 घंटों में बूंदी में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ के कहर से बूंदी का बिल्केश्वर महादेव का मंदिर भी अछूता नहीं रहा, जहां दर्शन करने आए 11 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही SDRF की टीम को लगी, मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जो 5 घंटे से ज्यादा देर तक चला, और तब तक चला जब तक कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए जब आए थे तब रास्ते और सीढ़ियों पर पानी नहीं था, लेकिन जब वापस लौटे तो मेज नदी उफान पर आ गई और मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई। अच्छी बात ये रही कि समय रहते बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया और सभी को रेस्क्यू कर लिया। राजस्थान के पाली में उस वक्त सांस अटक गई जब एक कार नदी में बह गई। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। जब ये घटना घटी तब रात का वक्त था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार पानी में बह रही है, इसी कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन सूझबूझ दिखाता है और गांव वालों की मदद लेकर इन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चलाता है। फिर गांव वाले हाथों की श्रृंखला बनाकर पानी में उतरते हैं और लहरों में फंसे 5 लोगों को एक एक करके बाहर निकालते हैं। छोटी मोटी खरोचा है, कुछ नहीं, सब लोग सुरक्षित हैं। इस वक्त देश की तमाम नदियां उफान पर हैं, इसके बावजूद लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं जो लहरों से टकराने की कोशिश करते हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के मुरैना से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कुआरी नदी ने ऐसा तांडव मचाया है कि रपटे को अपने कब्जे में ले लिया है और लोग इसके बाद भी नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर पानी का बहाव थोड़ा भी तेज हुआ बात जान पर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त मुरैना में बाढ़ जैसे हालात हैं, 10 से 15 गांव का कनेक्शन कट गया है। हरियाणा के सोनीपत में आधे घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब बना डाला। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां रफ्तार भरती थीं, वहां तैरती नजर आ रही हैं। अब ये सब 30 मिनट की बारिश का नतीजा है, जिसने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो बारिश और पानी निकासी और नालों की सफाई को लेकर किए गए थे, क्योंकि तस्वीर बता रही है नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हुई है। अगर थोड़ा भी काम किया गया होता तो सोनीपत की इन सड़कों पर नाव चलाने की नौबत न आती। बाढ़ से सिर्फ भारत ही नहीं नेपाल भी पीड़ित है। ये बर्बादी का मंजर नेपाल के सोलुखुम्बु का है, जहां बाढ़ ने कई घरों को अपनी कैद में ले लिया है। दरअसल नेपाल में नदियां जमकर तबाही मचा रही है। नेपाल के प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। मतलब एकदम साफ है, बाढ़ का तांडव
और कहर ढाएगा और बर्बादी लाएगा।